हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। नाउ असाइनमेंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर वन क्या है देखो। नंबर ऑफ वेज इन विच 9 डिफरेंट टॉयज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स इन सच अ वे दैट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द 3 एल्डर चिल्ड्रन is even and the youngest one is to receive one toy more is okay। total 9 different toys hai aapke paas, theek hai, aur 4 logo mein baantna hai aur 3 logo mein even distribution karna hai aur youngest ko sabse zyada dena hai, theek hai। to kaise ja sakta hai wo dekho, maan lo 3 ko 2 2 de diye humne, hai na, 4 लोगों में बांटना है और डिफरेंट एज ग्रुप है एंड द यंगेस्ट वन इज रिसीव वन टॉय मोर। अच्छा, वन टॉय मोर बोला है ना, तो एक तो ये पॉसिबल है कि 4 टोटल 3 लोगों को एक एक दे दिया और बाकी सबको 6 दे दिए, बट उसने क्या बोला कि एक ज्यादा चाहिए उसको, तो फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2 2 2, ये हो गया 6 और 1 भी, मतलब जो 3 बच्चे टोटल 4 चिल्ड्रन है तो जो सबसे बड़े हैं एज में उनको 2 2 मिलेंगे और उनसे ज्यादा एक जो है यंगेस्ट चाइल्ड को मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स है, ये वाला केस नहीं हो क्योंकि एक ज्यादा बोला है, तो यहाँ तो 5 ज्यादा है ना। तो बंडल बना लेते हैं टॉयज का, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितनी बार, 3 बार, और जो ग्रुप से उनका साइज इक्वल है, कितने ग्रुप से, 3 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि ये वाला जो है वो तो यंगेस्ट को जाएगा, ठीक है, और ये जो है जो 3 चिल्ड्रन है एल्डर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये जो ग्रुप है ये ग्रुप तो हमने एक को दे दिया, ठीक है, और ये जो 3 है वो 3 बच्चों में बांटना है, तो बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल, तो आगे आंसर आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन विथ 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल पावर 3। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन है ग्रुपिंग का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर्स आर टू ट्रेवल वाई अ डबल डेक बस विच कैन अकोमोडेट 30 इन द अपर डेक। ये डबल डेकर बस है, 13 ऊपर आना चाहिए और 7 इन द लोअर डेक। द नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डिवाइडेड इफ 5 रिफ्यूज टू सीट इन दी अपर डेक। तो 5 लोग ऊपर बैठना पसंद नहीं करते, तो 5 लोग इधर आ जाएंगे, ठीक है, एंड 8 रिफ्यूज टू सीट इन दी लोअर डेक, तो 8 जो है वो ऊपर चले जाएंगे या नीचे नहीं आएंगे, तो कहाँ बैठना पड़ेगा उनको, ऊपर, ठीक है। तो टोटल आपके पास 20 पैसेंजर्स है जिसमें 13 ऊपर चाहिए 7 नीचे चाहिए, और कंडीशन दे रखी है कि जो 5 लोग है वो ऊपर नहीं आएंगे तो नीचे आ गए, और नीचे 8 लोग नहीं आएंगे तो उनको ऊपर भेज दिया। आगे बात समझ में, तो 13 लोग तो चले गए, अब आपके पास कितने बचे, 7। अब 7 लोगों में 5 तो ऊपर जाएंगे और 2 नीचे आएंगे, ठीक है। तो इनका ग्रुपिंग का वेज 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका एक ही होगा क्योंकि जो 5 वाला बंडल है वो हमें ऊपर भेजना है और जो 2 लोग वाला है उसको नीचे भेजना है, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 में से 5 लोग सेलेक्ट कर लिए ऊपर के लिए और बाकी बचे नीचे आ गए, या फिर ऐसे समझो कि 7 में से 2 लोग नीचे के लिए ले लिए बाकी सब ऊपर के लिए, तो उसको बच्चे जो 5 में से 5 लोग ऊपर बैठाने का तरीका है। अच्छा, और अंदर जो है यहाँ कैसे अरेंजमेंट हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है, बस हमें तो बताना है कि ऊपर कितने तरीके से जा सकते हैं लोग, नीचे कितने तरीके से ला सकते, अंदर कैसे बैठे उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 बॉल्स आर टू बी प्लेस्ड इन 3 बॉक्सेस, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी प्लेस्ड द बॉल सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी इफ। फर्स्ट केस, बॉल्स एंड बॉक्सेस आर डिफरेंट, टोटल 5 बॉल्स है और 3 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट केस में बोला गया है
फाइव फाइव बॉल्स है और थ्री बॉक्सेस, ठीक है। बॉल्स एंड बॉक्स आर डिफरेंट, ठीक है भाई। और कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, हमें तीन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और बॉक्स भी डिफरेंट दे रखे हैं। तो फाइव बॉल्स को कैसे कैसे जा सकता है कि भाई एक बॉक्स में तीन चले जाए और दो में एक एक चले जाए, या फिर अब इससे कम करते जाओ तो यहाँ दो दो एक, आगे बात समझ में। तो ग्रुपिंग का नंबर ऑफ बेस कितना हो जाएगा, फाइव फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल, वन वन। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है तो उस कारण से ये टू फैक्टोरियल। अब इन्हें तीन डिफरेंट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थ्री फैक्टोरियल, प्लस ये वाला केस फाइव फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप में सेम है इस कारण से टू फैक्टोरियल। अब इनको तीन बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो थ्री फैक्टोरियल, तो ये आपका आ गया। या इसको हम ऐसे बोले फाइव फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल प्लस फाइव फैक्टोरियल अपॉन में टू फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल। थ्री फैक्टोरियल कॉमन आ गया, मतलब ये वाला हो गया तीन एक एक का ग्रुपिंग, ये हो गया दो दो एक का ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10 प्लस 120 अपॉन में 8, 15 इंटू थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो गया 25 इंटू 6, दैट इज 150। नाउ सेकेंड पार्ट में बोला गया है वॉल्स आइडेंटिकल एंड बॉक्स डिफरेंट। वॉल्स आइडेंटिकल है और बॉक्स डिफरेंट है, ठीक है। तो बॉक्स वन बॉक्स टू बॉक्स थ्री, ठीक है। तो बॉक्स पहले बॉक्स में तीन आ सकते हैं, ये ऐसे समझो कि जो हम केसेस बना सकते हैं। अच्छा, कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए, ये तो सभी के लिए कंडीशन है। तो ऐसे ही कर सकते हैं हम, तीन किसी में तीन चले जाए, किसी में एक, फिर दो दो एक। अच्छा, अब बॉल्स आइडेंटिकल है तो यहाँ तीन बॉल लेने का तरीका एक ही होगा, एक बॉल कितनी भी बॉल लो आइडेंटिकल है, लेने का तरीका एक ही होगा। अब इसमें ये हो सकता है कि ये तीन बॉल किस बॉक्स में जा रही है, मतलब इनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया थ्री फैक्टोरियल अपॉन में, मतलब ऐसे समझो कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तीन अलग अलग लोगों में, क्योंकि बॉक्स डिफरेंट है, तीन अलग अलग लोगों में बांटना है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो आइडेंटिकल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको बांटने का तरीका डिफरेंट नहीं होगा, क्योंकि बॉल्स जो है आइडेंटिकल है आपकी, तो बांटने का तरीका थ्री फैक्टोरियल अपॉन में, इसके कारण जो अरेंजमेंट आएगा टू फैक्टोरियल। तो कितने केस हो गए, थ्री। सिमिलरली इस केस में थ्री फैक्टोरियल अपॉन में ये दोनों आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं तो टू फैक्टोरियल दैट इज थ्री, तो थ्री प्लस थ्री सिक्स। आगे बात समझ में, या ऐसे बोलो इनका डिस्ट्रीब्यूशन इन तीन लोगों में, यहाँ पर दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, आगे बात समझ में। या ऐसे बोलो इनको रो में अरेंज करना हमें, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ऐसे इस केस में। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट में इसने क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है बॉल्स डिफरेंट एंड बॉक्स आइडेंटिकल। यदि बॉल्स डिफरेंट है और बॉक्स आइडेंटिकल है तो यही वाला केस हो जाएगा एक्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो आपने केसेस बनाया। अब बॉक्स तो आइडेंटिकल है तो बंडल किसी में ही भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका होगा एक ही तरीका होगा। तो आपका आंसर हो गया 10 प्लस 15, दैट इज 25। नाउ फोर्थ केस में बोला है बॉल्स एज वेल एज बॉक्सेस आर आइडेंटिकल। बॉक्स भी आइडेंटिकल है और बॉल्स भी आइडेंटिकल है, तो ये दो केस बनेंगे 3-1-1 और 2-2-1 के। अब इनको बॉक्स में भेजने का तरीका एक ही, इनको बॉक्स में भेजने का तरीका एक होगा, तो आपके पास दो केस हो गए। अच्छा, सिलेक्शन का तरीका भी एक ही होगा तो 1 इंटू 1, इधर भी सिलेक्शन का तरीका 1 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आगे 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो आप ध्यान रखना जहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो, ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो तो हमने क्या लगाई है, यहाँ भी ग्रुपिंग लगाई और यहाँ भी ग्रुपिंग लगाई है, ठीक है। और आइडेंटिकल हो गया तो आपने केसेस गिने यहाँ पर, ठीक है। इस केस में जैसे आइडेंटिकल था तो आपने सिर्फ केस गिने थे, इधर भी वही किया है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। 4 में क्या बोला, देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन फाइव डिफरेंट मैंगोज, फोर डिफरेंट ऑरेंज एंड थ्री डिफरेंट एप्पल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री चिल्ड्रन सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वन मैंगो। ओके, आपके पास क्या क्या गिवन है, फाइव मैंगोज डिफरेंट है, फोर ऑरेंज वो भी डिफरेंट है, और थ्री एप्पल्स वो भी डिफरेंट है। तीन लोगों में बांटना है, चिल्ड्रन 1, 2 एंड 3,
इट गेट्स एटलीस्ट वन मैंगो। कंडीशन क्या है कि सभी के पास एक कम से कम एक मैंगो जाना चाहिए, बाकी ऑरेंज और एप्पल पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मैंगो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। भाई मैंगो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कम से कम एक जाना चाहिए सबके पास, तो 3-1-1 या फिर 2-2-1 से। तो ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, तो ग्रुपिंग का तरीका यहां से कितना हो गया भाई, 3-1-1 का, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से ग्रुप में तो उसके कारण से 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन अलग अलग पर्सन में वो बंडल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्लस ये वाले केस का डिस्ट्रीब्यूशन 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों आइडेंटिकल उस कारण से 2 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया आपको मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब ऑरेंज और एप्पल टोटल कितने मिला के ऑब्जेक्ट है आपके पास, 7। ठीक है, तो अब हर एक ऑब्जेक्ट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे 1 में चला जाए, 2 में चला जाए, या 3 में चला जाए। दूसरे और दूसरा इन 7 में से कोई एक लिया, उसके पास भी 3 ऑप्शन, तीसरे के लिए पास भी 3 ऑप्शन, चौथे के पास भी 3 ऑप्शन, तो 3 पावर 7। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। 5 में क्या बोला देखो, फाइव में बोला नंबर ऑफ वेज इन विच अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 4 प्लेयर्स, सो दैट ईच हैव प्लेयर से 4, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इसके पास भी 13 जाएंगे, इसके पास भी 13, इसके पास भी 13 और इसके पास भी 13, और कंडीशन ये है ईच हैव द एस क्वीन क्वीन एंड जैक ऑफ द सेम सूट। ओके, तो आपके पास सूट होते हैं डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। ठीक है, तो इसके 4 एस किंग क्वीन और जैक होंगे डायमंड के, ऐसे ही 4 इसके होंगे, ऐसे ही 4 इसके होंगे, ऐसे ही 4 इसके होंगे। आ रही बात समझ में, एस किंग क्वीन और जैक, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4, इसके भी 4। आगे बात समझ में, तो उसने बोला है कि सेम सूट के एस किंग क्वीन और जैक एक ही पर्सन के पास जाना चाहिए। ठीक है, और जो आपको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इक्वल करना, तो ये कितने हो गए आपके 16 कार्ड, तो 16 कार्ड तो चले गए, तो 52 में से कितने बचे भाई आपके पास, 52 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू 6, 36 कार्ड। अब 36 कार्ड को ये जो है 4 4 तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि ये बोला गया है कि एक सेम सूट का एस किंग क्वीन और जैक एक पर्सन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो कि ये जो है 4 सूट 4 लोगों में कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब ये 4 जो पत्ते हैं वो सब इसी के हैं, ये जो 4 पत्ते हैं इसी के हैं बट इस सूट के हैं। आगे बात समझ में, ऐसे ही 4 इस सूट के एस किंग क्वीन जैक, ऐसे ही स्पेड के एस क्वीन किंग क्वीन और जैक इसके 4 है ना। तो आप क्या करो, पहले तो ये जो 4 सूट के हैं 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 4 फैक्टोरियल, क्या ये बात समझ में आ गई भाई, 4 सूट है आपके पास। ठीक है, उसके 4 4 4 4 पत्ते हैं, कौन से एस किंग क्वीन और जैक, तो 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 4 फैक्टोरियल। अब बच्चे कितने कार्ड्स आपके पास, 36 कार्ड्स, और 36 कार्ड्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, क्योंकि अभी सबके पास 4 4 गए और 9 9 आना है, तो हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी 9 9 9 की। तो ग्रुपिंग का तरीका क्या हो गया भाई, 36 फैक्टोरियल अपॉन में 9 फैक्टोरियल पावर 4, और जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो सेम है, तो 4 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, अब ये जो आपने 4 बंडल बनाए 9 9 9 के, इनको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन, 4 पर्सन है तो वो डिफरेंट होंगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके 36 कार्ड को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, ये और इंटू 4 फैक्टोरियल कौन सा, जो 4 सूट से उनको 4 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 4 फैक्टोरियल, मतलब एन ऑब्जेक्ट से, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है 1 2 3 और 4, और 4 पर्सन से बांटना है 4 फैक्टोरियल। सो दिस इज योर आंसर। आगे बात समझो भाई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6। 6 में देखो क्या है, 7 डिफरेंट कॉइन्स आर टू बी डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन इफ नो 2 ऑफ द पर्सन रिसीव द सेम नंबर ऑफ कॉइन
सेवन डिफरेंट कॉइन है, तीन पर्सन से बांटना है, P1, P2, P3, ठीक है? ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स था ना, इफ नो टू ऑफ द पर्सन रिसीव द सेम नंबर ऑफ कॉइन्स बट ईच रिसीव्स एटलीस्ट वन कॉइन एंड नन इज लेफ्ट ओवर देन द नंबर ऑफ वेज इन विच द डिविजन में बी मेड इज के। ओके, सात आपके पास कॉइन है, किसी भी दो को सेम नंबर ऑफ कॉइन नहीं मिलना चाहिए और कम से कम एक मिलना चाहिए, मतलब कोई भी खाली ना रहे और कोई भी कॉइन भी ना बचे, ठीक है? तो कैसे है हमें, मतलब सात आपके पास डिफरेंट कॉइन है, हमें तीन ग्रुप बनाना है जिसमें किसी भी ग्रुप का साइज इक्वल ना हो, ठीक है, और कोई भी खाली ना रहे। तो भाई सात है ना, तो हम बोल सकते हैं कि चार तीन सात पर जीरो आ जाएगा, तो चार दो और एक, यदि ऐसे हम ग्रुपिंग करें तो चार दो एक, तो कोई भी इक्वल नहीं है। इसके अलावा और कोई केस हो सकता है क्या? तीन दो दो, तो इक्वल हो जाएंगे दो और दो, तो वो केस भी नहीं होगा। तो इसके अलावा कोई केस ही नहीं है। तो सेवन कॉइन को भाई चार ऐसे तीन बंडल में बटाने डिवाइड करने का तरीका, फोर फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल, ठीक है? अब ये जो है आपने तीन ग्रुप बना लिए चार दो एक के, अब इनको तीन पर्सन में डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका थ्री फैक्टोरियल, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, इसने पूछा क्या है, इसने आपसे पूछा है अच्छा ये वैल्यू के के बराबर है, देन द सम ऑफ द डिजिट्स इन नंबर ऑफ के इक्वल। ओके, तो के में सम ऑफ डिजिट्स बताना, मतलब हमें निकालना पड़ेगा, सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन डिवाइडेड बाय फोर फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, तो फोर बच जाएगा और नीचे टू बच जाएगा, तो फोर और टू को आप गायब कर दो, ठीक है? तो ये हो गया आपका 30 और ये हो गया 21, तो वैल्यू आ जाएगी 0, 3 और 6, तो आंसर इज 630। इसमें डिजिट्स का सम क्या हुआ, 6 + 3 + 0 दैट इज 9, सो 9 इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो क्या है, इन अ हॉकी सीरीज बिटवीन एक्स एंड वाई द डिसाइड टू प्ले टिल अ टीम विंस 10 मैच देन द नंबर ऑफ वेज इन विच टीम एक्स विंस इज 20 cm/2 देन m इक्वल्स 2। ओके, एक्स और वाई, ठीक है, और ये कब तक गेम चलेगा, जब कोई भी टीम 10 मैच नहीं जीत जाती है, तो वो दे रखा है 20 cm/2 देन m की वैल्यू बता, ठीक है? तो हमें x को जिताना है यहाँ पर, ठीक है? तो x क्या है कि फर्स्ट 10 मैच हो जाए, 10 मैच हो रहे मान लो, उन्हीं में जीत जाए, तो 10 में से 10 के सारे गेम जीत जाए, 10 से 10, ठीक है, तो भी x जीत गया। या फिर 11 मैचेस हम करवाए, तो 10th मैच जो है वो कौन सा मैच होगा आपका, 11th, और उससे पहले जो 10 मैच है उनमें उन 10 में से हम बोले कि 9 में कहीं आपका x जीत रहा है, तो y अपने आप एक कहीं ना कहीं जीत जाएगा, तो भी आपका 11th मैच में ये कौन सी बात करती, 10th मैच में x जीत रहा है, 11th मैच में x जीत रहा है। सिमिलरली 12th मैच में यदि x जीत रहा है, तो यहां पर तो 12th में x को जीतना पड़ेगा, तो यहां तक कितने हो जाए, यहां तक 10 मैच जीते वो, तो इससे पहले कितने मैचेस हो रहे, 11th में 11 मैच, तो उन 11 में से 9 मैचेस कोई भी जीत जाए, बाकी दो कौन जीत जाएगा, वाई। सिमिलरली 13th में तो कितने मैचेस होंगे इससे पहले, 12, तो 12 में से 9 मैच फिर कोई भी जीत जाए, तो ऐसे ही 19th पोजीशन तक चलेंगे हम, 19th पोजीशन में आपका एक्स जीत रहा है, इससे पहले कितने हैं 18, तो उन 18 में से 9 मैचेस कौन जीत जाए, एक्स, तो बाकी बचे 9 मैच कौन जीत जाएगा, वाई। अब आप देखो 20th मैच में मान लो एक्स जीत रहा है, तो इससे पहले कितने होंगे 19 मैच, तो उन 19 में हम बोले कि 19 में आपका 9 बार कहीं भी आपका एक्स जीत जाए, और 20 में तो जीत रहा है, बट यदि हम बोले कि 9 टाइम्स एक्स जीत रहा है, तो 10 टाइम्स वाई जीत गया, इसका मतलब ये हुआ कि वाई ऑलरेडी जीत गया, तो 20th मैच ही नहीं होगा आपका। तो आपसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई 10 से 10 से लेके 10 सी 9
इलेवन सी नाइन कहां तक पूछा गया है, 19C9 तक, सॉरी 19C9, ये वाला केस नहीं होगा, 18C9 तक। तो 10C10, 10C9, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11C10, और 11C10, 11C9 को हम लिख सकते हैं 12C10। ऐसे ही इससे पहले जो टर्म बनेगा वो बनेगा आपका 18C10 तक पहुंचेंगे, और इसका इसका समेशन हो जाएगा 19C10। आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कौन सी लगा रहे हैं हम, NCR plus NCR plus 1, क्या होता है N+1 CR+1, वो लगाया जा रहा है। तो 19C10 आ गया आंसर आपका, बट इसने किस फॉर्म में दे रखा है, 20C10 20 cm/2, इसको 20 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 19C10 बोले या फिर 19C9 बोले, एक ही बात है ना, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 19C9 में 20/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 20/10 किया, तो 10/20 भी करना पड़ेगा, और 20 ये जो है रिडक्शन फॉर्मूले से ये हो गया आपका 20C10, और ये 10/20 हो गया 2, तो m आपका आ गया कितना निकल के 10, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोला गया, द नंबर ऑफ बेस इन विच एट नॉन आइडेंटिकल एप्पल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री बॉयज सच दैट एवरी बॉय शुड गेट एटलीस्ट 1 apple एंड एटमोस्ट 4 apples इज अ 4-digit नंबर ऑफ द फॉर्म PQRS, देन P × Q × R=2। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है 8 different objects, ठीक है, और कम से कम 3 लोगों में, हमें सबसे पहले तो 3 लोगों में बांटना है, 3 boys में, और कम से कम 1 मिलना चाहिए और मैक्सिमम 4 apples मिल सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हमें निकालना है। ओके, तो मान लो 1 को 4 दे दिया, तो दूसरे को 4 दे दिया, तो 1 के पास 0 जाएगा, तो ये केस तो नहीं होगा क्योंकि कम से कम 1 देना है, तो ये हो गया आपका 3-0, क्या चलेगा 3-1, क्या ये केस चलेगा क्या, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा केस चल सकता है, 4, 1 केस तो ये हो गया, और क्या हो सकता है, इससे 1 कम कर दो तो 4, 2, 2, ये भी चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, मैक्सिमम 4 है और मिनिमम 1 है। ओके, और क्या चल सकता है कि इससे 1 हमने कम किया तो वो हो गया 3, 3, 2 का, ठीक है। अब इधर से 1 कम करेंगे तो 3, 2, 3, तो वो वाला केस तो कोई वो तो वही वही वाला केस हो गया। और कोई केस, तीन केसेस बनेंगे भाई, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो अब ग्रुपिंग का तरीका फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये ग्रुप बंडल बनाने का तरीका कितना होगा, 8 factorial upon 4 factorial 3 factorial प्लस इसका बंडल बनाने का तरीका 8 factorial upon 4 factorial 2 factorial 2 factorial, और दोनों आइडेंटिकल है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, ऐसे इधर भी 8 factorial upon 3 factorial का square into 2 factorial, यहाँ फिर ये सेम होगा उसके कारण से 2 factorial। तो सभी में आपने तीन तीन बंडल बना लिया, कितने लोगों को बांटना है, 3 लोगों को, तो 3 factorial बांट सकते हो आप, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है 8, 7, 6, 5, 4 factorial 4 factorial कैंसिल, 3 factorial तो ये कैंसिल हो गया, प्लस ये आपका सिमिलरली 8, 7, 6, 5, 4 factorial कैंसिल हो गया, 2, 2, 2 बच गया नीचे, इधर 8, 7, 6, 5, 4, 3 factorial एक कैंसिल हो गया, बचा 1 3 factorial into 2 into 2 into 3 factorial, ठीक है। अब इधर से ये कैंसिल हो रहा है पूरा, ये कैंसिल हो गया, 3 factorial से 6 चला गया, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 280 हाँ प्लस, और ये हो गया 210, हाँ, और इधर से हो गया 280 into 3 factorial that is 6,
अब इस वैल्यू के निकाल लेते हैं हम, तो हो गया 560 प्लस 210 दैट इज इक्वल्स टू 0, 770 इंटू 6 तो ये हो गया 0, फोर सिक्स 20, तो पी क्यू आर एस आ गया, पी क्यू आर एस, तो पी इंटू क्यू इंटू आर हो गया 6 × 4, 24 इंटू टू 48, सो योर आंसर इज 48। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखो, नंबर ऑफ वेज इन विच 10 स्टूडेंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टीम्स, वन कंटेनिंग 4 एंड अदर 3 इच इज। ओके, तो यहां पर आप देखो, आपको 10 स्टूडेंट दे रखे हैं और तीन टीम बनाने, एक में चार हो और दो टीम में तीन और तीन प्लेयर हो, ऐसा समझ लो ये तीन और तीन स्टूडेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर टीम आपको समझना है कि टीम का नाम नहीं दे रखा, टीम का नाम मतलब यहाँ पर क्या बोला गया है, 10 लोग हैं जिसमें चार तीन तीन, ऐसे मतलब चार का एक बंडल, तीन का एक बंडल, तीन का, यहाँ सिर्फ बंडल बनाना है, मतलब उन बंडल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, बस ये टीम बना देनी है, टीम का नाम नहीं रखा, ये समझो आप, ठीक है। तो 10 लोग हैं, उसमें से चार तीन और तीन, तो बंडल बनाने का तरीका 10 factorial upon 4 factorial, 3 factorial 3 factorial, और आइडेंटिकल सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है तो उसका आंसर ये 2 factorial, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास आ गए 10, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, और 4 factorial कैंसिल हो जाएगा, इधर 3 factorial 3 factorial 2 factorial 3 factorial कैंसिल हो गया, और ये हो गया 3, बचा 2, तो ये हो गया 4, फिर 2, तो 2, तो 6, 10 × 6 × 7 × 5, तो 30, तो 2 10 10, तो ये हो गया 2 1 0, सो दिस इज योर्स। अगली बात समझ में, मतलब आपको यहाँ सिर्फ तीन बंडल बनाना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करना ही नहीं है तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। 10th क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 कार्ड्स आर ड्रॉन वन बाय वन फ्रॉम अ सेट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ कार्ड्स, ईच कार्ड इज मार्क्ड विथ नंबर्स -1, 0 और 1, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी ड्रॉन इफ द सम ऑफ द नंबर्स शोन बाय देम वैनिशेस। ओके, तो आपके पास जो कार्ड्स है वो -1 है 0 और 1, ये कार्ड नंबर है, ठीक है, और अनलिमिटेड कार्ड है तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे फिर, ठीक है। तो अनलिमिटेड कार्ड है तो आप ये समझो कि उसमें जो कार्ड है, तीन कार्ड है, ठीक है, -1, 0 और 1, उस पर नंबरिंग है, ठीक है। इच कार्ड इज मार्क्ड विद नंबर्स माइनस वन, नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी ड्रॉन इफ द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द वेज। तो अनलिमिटेड कार्ड है तो मैं कार्ड -1 लू 0 1 लू या 1 ले, है ना। तो सबसे पहले आप केस देखो कि यदि सम 0 हो रहा है तो क्या हो सकता है कि 1 1 1 तीन बार आ जाए और -1 तीन बार आ जाए। यदि 1 1 1 1 तीन बार आ गया, -1 तीन बार आ गया, तो सबका सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या? तो यही तो बोला है। अब 1 1 -1 ये कैसे आ सकता है? अब 1 जो है ये ऐसे समझो कि एक स्ट्रिंग की यहाँ पर अभी कैसे आ सकता है, 1 और -1 इन सब का आपस में परम्यूटेशन करवा दो तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स है, बट उसमें ये तीन आइडेंटिकल है, ये तीन आइडेंटिकल है। तो कहने का मतलब है कि जैसे अब 1 कुछ बोले कि 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसा है तो वो सब इसी का अरेंजमेंट में हो गया, मतलब तीनों 1 को हमने आइडेंटिकल मान लिए और तीनों -1 को आइडेंटिकल, तो उसका अरेंजमेंट ये हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ केस हो गए आपके 6 factorial upon 3 factorial 3 factorial। दूसरा केस क्या हो सकता है कि 2 1 हो जाए, 2 -1 हो जाए और 2 0 हो जाए, तो भी सम 0 हो जाएगा, तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 6 factorial upon 2 identical 2 identical 2 identical। तीसरा केस और क्या लग रहा है कि 1 1 हो जाए, 1 -1 हो जाए और बाकी सब क्या हो जाए, कार्ड आपके 0,
ठीक है। अच्छा, अरेंजमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि 6 कार्ड्स है ना, तो पहला कार्ड क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, तीसरा क्या आएगा, चौथा, पांचवा और सिक्स क्या आएगा, वो अलग अलग बातें हैं। तो इस कारण से अरेंजमेंट कर रहे हैं। अरेंजमेंट का मतलब है कि कौन सा कार्ड कब आ रहा है, वो सब इसी में आ जाएगा। अगली बात समझिए। और केस नंबर फोर, एक और बच जाता है कि सारे के सारे जीरो हो जाए, चार, पांच और छह। तो इनका अरेंजमेंट 6 सेक्टोरियल अपॉन में सब सारे के सारे सेम है। अच्छा, इसका अरेंजमेंट हमने नहीं लिखा, इसका अरेंजमेंट हो जाएगा 6 सेक्टोरियल अपॉन में, ये चार आइडेंटिकल, तो 4 सेक्टोरियल। ये वैल्यू हो गई आपकी 720 अपॉन में, या 120 अपॉन में 6, तो 20। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 720 अपॉन में 6 × 6, तो 6, हाँ 20, एक मिनट, ट्वेंटी अपॉन में 6, ओके एक मिनट, हाँ ये जो है ये हो गया आपका 6, हाँ 20 हो गया। इधर कितना हो जाएगा, 720 अपॉन में 8, तो 720 अपॉन में 8 हो गया आपका 90, और ये है 6 × 5 30, और ये है केस 1, तो इन सबको ऐड कर लो, तो ये आपका हो गया 110, 140 और ये केस 141, टोटल नंबर ऑफ जो परम्यूटेशन होगा, ताकि उन सबका जो कार्ड का सम, कार्ड में जो नंबर आ रहा उनका सम जीरो हो जाए। ठीक है, सम ऑफ नंबर जीरो हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। 11 क्वेश्चन क्या है, देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ द सेट ए ऑफ के एलिमेंट्स, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, वी सेलेक्टेड सो दैट दे हैव एग्जैक्टली टू कॉमन एलिमेंट्स, ओके, टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स ऑफ द सेट ए। सेट ए में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ए, इसके दो सबसेट हमें देखना है, एक्स और वाई। ठीक है, देयर आर एग्जैक्टली टू कॉमन, तो इसमें और इसमें दो कॉमन एलिमेंट हो, बस एग्जैक्टली दो, ये दो एलिमेंट ही कॉमन हो, बाकी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सेट ए में के एलिमेंट्स हैं और हमें इसके दो सबसेट लेना है, एक्स और वाई हमने मान लिया, उसमें एग्जैक्टली दो ही एलिमेंट कॉमन हो। सबसे पहले तो क्या किया कि के में से हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट कर लिए, दो एलिमेंट सेलेक्ट करने का तरीका के सी टू, जो दोनों सबसेट एक्स और वाई को हमने दे दिए, वो दो एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं। आगे बात समझ में, अब ये आपने दो ले लिए, तो बचे कितने एलिमेंट आपके पास, के माइनस टू। अब के माइनस टू में से एक्स के पास हम जीरो एलिमेंट ले ले, या वन ले ले, या टू ले ले, थ्री ले ले, फोर ले ले, है ना, ऐसे सारे के सारे ले ले तो भी काम चल जाएगा, और वाई के पास बचे कुछ दे दे, दे बचे कुछ दे या ना दे। अरे अरे बात समझ में, हमें ये दो कॉमन लेना है। अब ये हो सकता है कि के माइनस टू में से एक एलिमेंट यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ ना आए तो भी चलेगा, एक एक आ जाए तो भी चलेगा, बट सेम नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि मान लो इस x को हमने r एलिमेंट्स दिए, तो k माइनस टू में से r एलिमेंट सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, k माइनस टू सी आर। ठीक है, और r कहां से कहां तक वेरी कराएंगे हम, जीरो से लेके k माइनस टू तक। क्या ये बात समझ में आ गई, ये तो वही बात हो गई, r लेने का मतलब ये है कि x को r देने का मतलब ये है कि आपने कुछ नहीं दिया, एक दिया, दो दिया, ये सारे के सारे दे दिए। अगली बात समझ में, तो हम यहाँ समेशन चलाएंगे, r जो है जीरो से k माइनस टू का, तो किसी इंस्टेंट पे r मान लो 5 है। ठीक है, तो बच्चे कुछ में से 5 देने का तरीका, ये r देने का तरीका। अब r आपने x को दे दिए, बच्चे कितने आपके पास, r दे दिए, बच्चे कितने, k माइनस टू माइनस आर, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं k माइनस आर माइनस टू। अरे भाई, दो तो हमने दोनों को दे दिए, उसके बाद k माइनस टू में से r x को दे दिए, या y को, x को दे दिए, ध्यान से सुनना, अब कितने बचे,
आर के माइनस टू में से आर चले गए तो इतने बचे। अब ये जो है वो दूसरे सेट में जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, मतलब हर एक एलिमेंट में जितने भी एलिमेंट है कि कितने हैं, के माइनस आर माइनस, हर एक एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, कि वो दूसरे सेट में जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, तो सभी के पास टू टू ऑप्शन, तो के माइनस टू माइनस आर। अब इसमें हमने क्या चला दिया, समेशन आर जीरो से लेके के माइनस, तो वो सारे केस आ गए कि इसको हमने दिया ना दिया, दिया ना दिया, और ये के सी टू को ना भूले, मतलब दो एलिमेंट जो सेलेक्ट किए थे जो दोनों को हमने दोनों में कॉमन रखना था, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि दो सबसेट बनाना है, इसमें केसेस रिपीट होंगे, जैसे मान लो इसमें ए और बी एक दो एलिमेंट है, ए इसमें आ जाए बी इसमें आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है कि हम के माइनस टू में से आर की वैल्यू वन ले लो, मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट किया वो यहाँ लिया, और फिर जो बचे कुछ एलिमेंट है उसमें से हम हर एक एलिमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि इसमें जाए ना जाए, जाए ना जाए, मान लो बी यहाँ आ गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें बी चला जाए, मतलब दूसरे केस में कि इधर बी चला जाए, बिल्कुल हो सकता है बचे कुचे में से एक ले रहे हैं तो बी वहां जा सकता है और ए यहाँ आ जाए, मतलब हर एक केस दो बार आएगा, तो हमने क्या किया उसको टू से आप डिवाइड कर, क्या आती है बात समझ में? ये फंडा आपको समझ में आया इतना? आप समेशन को एक मिनट भूल जाओ, आप तो किसी आर के लिए बात करो आप, है ना, क्योंकि हमारे दिमाग में आता है कि भाई दो कॉमन रखना है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि हम कोई भी कॉमन, मतलब इसके अलावा इनको कुछ ना, एक्स को मान लो एक सेट ले लिया, सब सेट ले लिया एक्स और वाई, हमने अब हमारे समझने के लिए नाम लिया है उसमें नहीं दे रखा, ठीक है, इसको कुछ नहीं दे, एक दे दो दे तीन दे या सारे के सारे दे दे, तो वो इसी में आ गया क्या? आर जीरो से के माइनस टू तक वेरी कर तो रहा है, वो जो आप बोल रहे हो वो इसी में आ गया, समझ गए? टू डिवाइड क्यों किया, क्योंकि केस हर एक दो बार आ रहा है, अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो के सी टू क्या हो जाएगा, के के माइनस वन बाय टू और ये टू तो फोर, और ये जो लिखा हुआ है ये किसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ, दिस माइनस दिस, ये लिखा हुआ है क्या? तो ये लिखा हुआ है आपका अच्छा उसने और ये भी बोला था, एक मिनट इसमें एक और प्रॉब्लम है, टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स बोला है, टू डिस्टिंक्ट सबसेट्स बोला है, मतलब ये और ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, ये और ये, इसमें एक केस में गड़बड़ी होगी जब हमने यहां पर कुछ नहीं लिया, किधर इस टोटल में, समझना बात को, इस टोटल में एक प्रॉब्लम है कि हमने यहां कुछ नहीं लिया, मान लो एक्स में कोई नहीं लिया, एक्स में कोई नहीं लिया, और जो k माइनस आर माइनस टू है उसमें से कोई भी एलिमेंट y में नहीं गया, तो दोनों में जो दो कॉमन एलिमेंट आपने सेलेक्ट किए वही के वही बच गए, तो वो जो सेट है सब सेट है वो तो आइडेंटिकल हो गया, बट इसने क्या बोला है, डिस्टिंक्ट बोला है, तो एक केस आपको वो माइनस करना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये जो लिखा हुआ है वन प्लस टू पावर के माइनस टू का एक्सपेंशन लिखा हुआ है और ये माइनस वन अलग चली है, तो ये हो गया के के माइनस वन बाय फोर इंटू थ्री पावर के माइनस टू माइनस वन, सो दिस इज योर आंसर। ये माइनस समझ में आ गया, सिंपल है। अरे भाई जो एक्स के पास और वाई के पास ये दो एलिमेंट कॉमन के अलावा कोई नहीं गया, तो तब दोनों आइडेंटिकल सबसेट्स हो गए ना, यहाँ क्या बोला है डिस्टिंक्ट, तो बाकी केसेस में डिस्टिंक्ट आएंगे क्योंकि एलिमेंट जो इसमें जा रहे हैं उसमें नहीं, और जो इसमें जा रहे हैं उसमें नहीं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स हैविंग नॉन जीरो डिजिट्स एंड विच आर डिविजिबल बाय फोर बट नॉट बाय एट। ओके, तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, हमें चार डिजिट का नंबर चाहिए। फोर से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई लास्ट के दो डिजिट फोर से डिविजिबल हो जाए, और एट की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के थ्री डिजिट फोर से डिविजिबल हो जाए। तो हम ये करें कि लास्ट के टू डिजिट देख ले और उसके बाद ये डिजिट उस हिसाब से ले हम कि वो 8 से डिविजिबल
ना रहे, मतलब ये तो फोर से डिविजन हो जाए, बट ये डिजिट इस हिसाब से हम सेलेक्ट करें, ये तो कुछ भी हो सकता है, इसका कोई टेंशन नहीं है, बट ये इस हिसाब से हम सेलेक्ट करें कि वो एट से डिविजन ना हो, तो ऐसे हम केसेस काउंट कर ले, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है कि सबसे पहले तो फोर और एट से डिविजिबल है तो वो नंबर इवन होगा, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक आती है ना। अब मैं कोई भी चार कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लूँ, मान लो मैंने ले लिया 20, 22 और 24 और 26, इसके पीछे कंसेप्ट समझो, यदि मैं किसी नंबर को फोर से यदि डिवाइड करता हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3। यदि 8 से डिवाइड करूंगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये बात समझ में आती है ना, आती है ना। तो इसको यदि मैं हाँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, है ना, और ये तो बोला गया कि 4 से डिविजिबल है, बट 8 से डिविजिबल ना हो, यदि नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका इवन ही होगा, यदि इवन नंबर है तो जो रिमाइंडर है वो भी 0 और 2 होगा। यदि नंबर मैंने इवन बोल दिया तो रिमाइंडर जो आएगा वो 4 से डिवाइड करने पर 0 2 आएगा, तो सिमिलरली इवन नंबर है यदि 8 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0 2 4 और 6, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो यहां पर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है, 4, 6, 0 और 2। तो कोई भी आप चार कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स ले लो तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, 2, 4, 6 कुछ ऑर्डर में, ऑर्डर जरूरी नहीं कि 0, 2, 4, 6 आए, बट ये चार आपके रिमाइंडर होंगे, क्या ये बात समझ में आएगा, कोई भी चार कंसेक्यूटिव ले लो आप, ठीक है। तो अब ये हमें कैसे मदद करेगा वो समझो, मान लो चार डिजिट का हमने नंबर लिया कुछ इस टाइप से A, B, C, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब हमें नंबर कैसा लेना है, इवन नंबर, तो यहाँ ए बी सी लिया तो यहाँ 0 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है ना। अच्छा 0 तो आ ही नहीं सकता, 0 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट्स बोले, तो जो नंबर्स है वो आपका क्या क्या बन सकता है, 2, 4, 6 और 8 वाला। तो ये जो नंबर है हम इसको बना सकते हैं, चलो 2 से स्टार्ट करो, 2, 4, 6, 8, नंबर तो इवन ही बनेगा ना भाई, अभी हमने बात करी है। तो इसमें हम चार कोई भी कंसेक्यूटिव इवन नंबर कैसे ले सकते हैं, ये हो गया 10 प्लेस पे, ये हो गया आपका 100 प्लेस पे, और ये हो गया आपका 1000 प्लेस। तो हमने अब ए बी सी को मैं वेरी करते जाऊं तो आपको नंबर मिलता जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो ये चार नंबर लिए, अच्छा है। समझ में आ रही है ना बात क्या है हो रही है यहां पर, और दूसरा फिर लिया 1000, प्लस 4 सिमिलरली 1000 A, 100 B, 10 C प्लस 6 1000 A, 100 B, 10 C, 8। तो ये पूरे नंबर को, 4 डिजिट का जो नंबर है उस 4 डिजिट के नंबर हम कौन से ही ले रहे हैं जो इवन नंबर है, क्योंकि हमें इवन नंबर की ही बात करना है क्योंकि 4 से डिविजिबल तो वो है, तो वो सारे इवन नंबर 4 डिजिट का वो हम ऐसे बता सकते हैं ये चार तरीके से, क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, आ गई ना। अब ये हमें मदद कैसे करेगा वो समझो आप, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हमने बोला था कि यदि 8 से यदि डिवाइड करते हैं चार कंसेक्यूटिव नंबर को तो रिमाइंडर आपका आता है 4, 6, 0 और 2, ठीक है। क्या क्या आ रहा है, 4, 6, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 0 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो रिमाइंडर 4, 6, 0, 2 आ रहा है। अब ये सेम 4 कंसेक्यूटिव नंबर को, ध्यान से सुन, मतलब 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 कंसेक्यूटिव नंबर है तो रिमाइंडर 4 आने का मतलब वो जो नंबर है उसको मैं लिख सकता हूँ 8K+4, रिमाइंडर 6 आने का मतलब 8K+6, 0 आने का मतलब वो 8K टाइप का है और ये 8K+2 टाइप का है, ठीक है। तो
इसमें ये नंबर जो आएगा वो तो 8 से डिविजिबल है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इनमें आप देखो कि किस टाइप का नंबर ऐसा है जो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है, तो वो आपका नंबर हुआ ये वाला। ये 4 से डिविजिबल है बट 8 से नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 4 है। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है बट 8 से भी, इसलिए इसको हटा दिया। ये ना 4 से डिविजिबल है ना 8 से, तो हमें तो चाहिए कि जो 4 से डिविजिबल हो और 8 से डिविजिबल ना हो। तो हर एक, तो पॉइंट समझे, तो चार कंसेक्यूटिव नंबर में आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 4 से डिविजिबल होगा बट 8 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हर एक चार कंसेक्यूटिव नंबर हमने ऐसे लिख दिए। अब यहां पर ठीक है, तो इन सभी में एक तो आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप ए बी और सी रखते जाओ, आपको चार कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे। अभी बस लिखा ना भाई, ए बी सी आप रखते जाओ, चार कंसेक्यूटिव नंबर मिलेंगे जिसमें एक आपका नंबर ऐसा आएगा जो 4 से डिविजिबल है बट 8 से डिविजिबल नहीं है। तो अब ये ए बी सी में रखते जाऊं तो मुझे सारे 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ए रखने के ऑप्शन 9, बी को रखने का ऑप्शन 9, सी को रखने का ऑप्शन 9, मतलब क्योंकि नॉन जीरो डिजिट बोला है ना, डिजिट आपके पास 1 से लेके 9 तक अवेलेबल है बस। क्या ये बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर आंसर।